क्लास 9th 10th 11th 12th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फैकल्टी है। इसके अलावा क्लास ग्रेजुएशन के लिए बीए बीकॉम बीएससी क्लासेस, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ कराया जाता है। ग्रेजुएशन के अलावा आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है उसके लिए सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। इसके अलावा हम लोग समय समय पर करियर काउंसलिंग, मोटिवेशन क्लासेस की भी व्यवस्था है यहाँ पर। और हर एक प्रयास है जिस तरह से बच्चों का जो क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग की बात हम लोग करते हैं, हर एक व्यवस्था हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन के लिए दिया जाए जिससे बच्चों में स्किल डेवलप किया जा सके। डिगवाडी विद्युत कार्यालय के लापरवाही बरतने और बिल ज़्यादा आने के विरोध को लेकर बुधवार को मासस नेता सबुर गोराई स्थानीय लोगों के शिकायत पर पहुंचे विद्युत कार्यालय डिगवाडी। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम डिगवाडी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कहा कि सरकारी मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली के भुगतान की राशि के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बिजली बिल डबल भेज दिया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मीटर रीडिंग भी समय समय पर नहीं किया जाता। वहीं बिजली मिस्त्री को शिकायत करने पर मनमानी राशि की मांग की जाती है। बताया जाता है कि नुनुडीह निवासी छोटू महतो मंटू महतो के घर लाइन दिया गया है, मीटर नहीं लगा है, फिर भी उसे बिजली बिल भेजा जाता है। मौके पर सोनू गोराई, मोहन, गौतम मुखर्जी, गोविंद गोराई आदि मौजूद थे। कारण ये है कि कंज्यूमर को इतना बेसी बिल बना दे रहा है कि कंज्यूमर बाप बाप कर रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बिजली ऑफिस द्वारा। और जो लोग चेक करने जाता है वो लोग, और उसका बाद उससे नाना प्रकार में ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। किनके द्वारा ब्लैकमेलिंग किया जाता है? वही जो लोग जाता है वहाँ बिल बनाने के लिए, चेक करने के लिए। ये हाल है। आज आप क्या कर रहे हैं आप भैया? हम लोग तो बैठ गए हैं, या तो इसका सुधार करे और यहाँ का सिस्टम को सुधार करे, अन्यथा हम लोग बैठे हुए शांतिपूर्ण ढंग से और हम लोग बैठा रहेंगे, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। आए बिजली ऑफिस के लोग, आए प्रशासन के लोग आए, और सोचिए कि हम लोग चार महीना से चक्कर काट रहे हैं। गोविंदो गोराई का बिल गड़बड़ा गया, अनिल गोराई का बिल बेसी हो गया, अभी तक सुधरा नहीं है। अच्छा, इस तरह कितने लोगों का साथ ही लोग किया। आप इसके अधिकारी हमें में? हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, ये नया नहीं, कई बार बातचीत कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन हाँ करेंगे, हाँ देखेंगे, हाँ सुधारेंगे, बस यही हो रहा है। आश्वासन देते देते भी बढ़ते रहता है, तो इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई आज तो हम लोग से दरखास्त कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग भाई वो बड़ा आंदोलन में जाएंगे, और इसको तो सुधार करेंगे, क्योंकि बिजली ऑफिस से लोग तबाह हो गया। उसका बाद बहुत लोग को मीटर लगा नहीं है, और उसका बिल यहाँ ठेकेदार को लोग पेमेंट कर दिया, जहाँ तहाँ का लोग को बहाली कर दिया। ऐसा भी हुआ है कि? हाँ भाई, ऐसा तो बहुत सा केस है, और इतना नहीं, यहाँ के फेमस दो चार नाम है जो कि आज गरीब लोग का हाई लग गया, उसको वो एकदम देखिएगा तो लगेगा कि वो मोहा पीपी के का गड़बड़ा गया। मैंने ये हाल है, मतलब बिजली विभाग और बिजली विभाग मैंने आज हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ करप्शन का अर्थ है, सरकारी मीटर को छेड़छाड़ करके असूल कर रहा, जितना पूंजीपतियों का बिल है उसको चेक नहीं करता, और गरीब लोग को नरेटिव पकड़ के इतना तुम्हारा है, ये करना होगा, वो करना होगा, ये करता है। इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? इसके ऊपर आंदोलन तो करेंगे, ये तो तय हो गया, आज से शुरू है, हम लोग लड़ रहे हैं, और उन्हें क्लियर करेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। फर्स्ट हमारा ऑफिस दुकान गया, दुकान में 300 रुपये उठता हूँ, 1250 रुपये उठा दिया, उसमें भी बोला गलती हो गया, माफ कर दो, करके उसको हम उठा दिए, कुछ कर दिए। इसके बाद घर गया, घर में मेरा 2 महीना के बिजली बाकी था, 1 महीना के, उसका कारण 44,000 रुपया मेरे बिल उठा दिया है, और ट्रेडिंग का वो बोल रहा था जो मेरे को गलती हो गया है। 44,000 दो महीने का उठ गया है। हाँ। क्या चलाते हैं? मोटा उठा चलाते हैं कुछ नहीं सर, हमारा घर में खाली
ये दो भोल जलता है और में मेरा दो तीन रूम में दो मीटर है। आपसे कोई पैसा भी मांग कर रहा है बिजली बिल सुधारने के नाम पे? पैसा तो इन लोग को कामे हुई है, पैसा मांग करता है। हाँ कौन मांग रहा था? वही एगो मांग रहा था, का नाम है रेडिंग वाला, बोलता था चाय पिला तो नाश्ता करा पैसा लाएगा। के अनिल नाम है क्या उसका? हाँ अभी तो किया इधर भागा। अच्छा चले गल जाते दिन करना धमकल तो राजो बेटा। अच्छा अच्छा यही लोग बदमाशी करता है। हाँ। मतलब जान बुझ के पैसा नहीं देने का कारण बिजली बिल बढ़ा। अच्छा, दुबे साहब है बोला 8 दिन के गारंटी लिया, 8 दिन तुम्हारा हम सुधार कर देगा। 8 दिन के बाद हम आए तो बातचीत बोला तो बोला कुछ नहीं किया, फिर 15 दिन बाद आए तो ये बोला जैसे साहब नहीं हम कर दे रहे करके यो दौड़ाता है। तो मतलब काम नहीं करेगा, खाली दौड़ाएगा। हो गया गरीब लोग। क्या नाम हो आपका? गोविंद गोरा।